नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायण परो व्यक्ता अण्डमौ व्यक्त संभवम् अण्डस्यान्दस्ति मे लोका सप्तद्वीपाच्च मे दिवि नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य सच्चिदानंद भगवान परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करते हुए ओम नमो नारायणाय। कल के प्रसंग में तत्व विचार की दृष्टि से सारे प्रपंच को व्याख्या करने के लिए भगवान ने विषय और विषयी
ऐसा दो विभाग किया, जो हमारे इंद्रियों का विषय है वो अपराप प्रकृति का कार्य है। ऐसा कहा, अपराप प्रकृति ईश्वरी माया शक्ति है और उस माया शक्ति से बुद्धि नामक महत्तत्व प्रकट होता है। महत्तत्व से अहंकार और अहंकार से मन सहित एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं और पांच तन्मात्राओं से पंच महाभूत से ये पांच भौतिक जो दृश्यमान वस्तुएं सारे अलग अलग क्रम से उत्पन्न होती है। और ये विषय का संबंध करने वाले जो विषयी है, जिसको हम जीवात्मा रूप से कहते हैं, ये जीवात्मा भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने इसको परा प्रकृति नाम दिया, जीव भूदाम महाबाहो ये एदम धारिदे जगत। तो परा प्रकृति जीव है, जीव के रूप में भगवान परा प्रकृति के रूप में प्रकट है। ये विषयी है, जानने वाला है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और पहले अपरा प्रकृति का जो कार्य है वो विषय है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, विषय और विषयी के रूप में सारे कुछ वर्णित हो जाता है। 13वां अध्याय में ये विषय और विषयी को ही भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिपादित करेंगे। वहां आप देखेंगे जो भी क्षेत्र में आता है वो सब इस प्रकार का कार्य में आए, और जो क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा है। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय से ही संपूर्ण सृष्टि होती है, इसका विस्तार से भगवान वहां प्रतिपादन करेंगे। किंतु हमें यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये जो विषय रूप से जिसको प्रतिपादन किया वो क्षेत्र है, और विषयी रूप से जिसको प्रतिपादन किया वो क्षेत्रज्ञ। कल हमने ये भी सूचित किया था कि क्षेत्र कभी क्षेत्रज्ञ नहीं होता है, यानी विषय कभी विषयी नहीं होता है और विषयी कभी विषय नहीं बनता है। अर्थात जानने वाला हमेशा जानने वाला ही रहेगा, वो जानने का विषय रूप से ज्ञेय नहीं बनेगा, और ज्ञेय जितनी वस्तुएं हैं वो जानने वाला भी नहीं बनता। इसीलिए हमारे जो शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारे ज्ञेय कोटि में आता है। ये अपरा प्रकृति का ही कार्य है, और इसको जानने वाला जो ज्ञाता रूप से जीवात्मा जिसको कहेंगे वो परा प्रकृति का रूप है। इसका परस्पर संबंध स्वाभाविक है, ये भी भगवान ने यहां सूचित किया है। क्योंकि जब कहा कि संपूर्ण सृष्टि इसी के द्वारा प्रकट हो जाती है, ये एकदम धार्य दे जगत, मैं इस जगत को सृजन करने के लिए ऐसे दो रूप में प्रकट हो जाता। तो आगे श्लोक षष्ठ श्लोक में देखिए, एतद् योनि निभूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। अहम् कृत्स्नस्य जगद प्रभव प्रलयस्तथा।
कल हमने ये कहा था कि भगवान का तत्व रूप कैसा जानना है, और कोई भी वस्तु का तत्व ज्ञान होने से ही उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं। व्यवहार के लिए जब जैसा जानते हैं वो देश काल अवस्था के हिसाब से बदलता है, वो तत्वदत्त ज्ञान नहीं होता है। तत्वदत्त ज्ञान का अर्थ है उसका स्वरूप को जान लेना। ये कल इसके विषय में कहा था, क्योंकि कई बार भगवान ने तत्वदत्त जानने की बात कही है, और तत्व ज्ञान होने से ही पूर्ण ज्ञान होगा ये भी भगवान कई बार कह रहे हैं। तो अभी बाह्य विषयों का संबंध में ही हमारा ज्ञान है, तो भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं कि बाह्य विषय को जो आप समझ रहे हैं ये भी तत्वतः ऐसा है कि बाह्य विषय के रूप में जिसका नाम रूप अलग अलग आप जान रहे हैं, तत्वतः उसका स्वरूप मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे ही प्रकृति ईश्वरी माया शक्ति प्रकृति ये विषय के रूप में परिणत हुई है। तो जिसके जैसे स्वरूप है वैसा ही वो रहेगा, ये कहने का तात्पर्य है। ये इस श्लोक में निर्धारण करते हैं कि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारया। हे अर्जुन, ये जितने भी भूत है भौतिक वस्तुएं जो दिखाई पड़ रहे हैं, भवन्ति इति भूतानि, भूत कहने से सामान्य अर्थ ये होता है जो उत्पन्न होते हैं उनको भूत कहते हैं। भवन्ति यानी उत्पन्न होते हैं वो भूत होते हैं। तो जो कुछ उत्पन्न हुआ आपके सामने दिख रहा है ये सब एदद योनिनी, ये दो प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दोनों से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। ऐसा उपधारया, ऐसा निश्चय कर लो, मतलब तत्व रूप से इसको ऐसा ही निश्चय करो। अब आपका क्या रोल है इसमें, तो बताते हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयः तथा, वैसे ही मैं संपूर्ण जगत का स्वरूपतः कृष्णस्य मन संपूर्ण का प्रभव मन उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही मैं हूं। इसका मतलब मुझ में ही आश्रित होकर के ये उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही आश्रित होकर के ये स्थित रहते हैं, और बाद में उसी में मेरे ही स्वरूप में लीन होते हैं। आप ये तो जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिस कारण से उत्पन्न होता है उस वस्तु के वर्तमान काल में स्थिति काल में उसी में रहता है, इसका मतलब उसके रूप में ही रहता है। जैसे मृत्तिका से उत्पन्न हुआ घट जब तक रहेगा वो मृत्तिका में रहेगा, किंतु अब प्रश्न होता है वो नाश जब होगा घट का तो वो कहाँ जाएगा, तब भी वो मिट्टी के रूप में ही जाएगा, तो मिट्टी में ही स्थित होता है, तो लय भी उसका मिट्टी में होता है, स्थिति भी मिट्टी में होता है और उत्पत्ति तो उसी से है ही। अब प्रश्न होता है कि ये तीनों जब उस कारण में ही हो रहा है तो ये घड़ आदि जो पदार्थ घट नाम रूप धारण किया हुआ है ये किस काम का है, क्योंकि उत्पत्ति तो उसी में है, स्थिति भी उसी में है, लय भी उसमें है, और कुछ परिवर्तन भी होगा तो उसी में होगा, कारण से अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये किस काम का नाम रूप धारण किया है। तो इसी को हम व्यवहार सत्ता कहते हैं, व्यवहार के लिए हुआ है। आपको घट करके नाम प्रयोग करना, व्यवहार का मतलब क्या है कि नाम प्रयोग करना होगा, शब्द व्यवहार करना होगा। घट करके बोलने के लिए मिट्टी से अलग आकार में वो प्रकट होना चाहिए। और एक है व्यवहार का अंग है अर्थ क्रियाकारित्व, यानी उस वस्तु से कोई प्रयोजन होगा उसको कहते हैं अर्थ, और उस वस्तु से कोई क्रिया होगी, ये दोनों होता है। मृत्तिका के रूप में अथवा पिंडाकार गोलाकार के रूप में धूली के रूप में रहने पर
उस मृत्तिका में आप पानी नहीं ला सकते, पानी रखना रूप प्रयोजन उस मृत्तिका में संभव नहीं है, उसमें वो अर्थक्रिया कार्यत्व नहीं है। वो मृत्तिका को आप एक आकार विशेष देने से उसमें पानी को रखा जा सकता है, अर्थक्रिया कार्यत्व हो जाता है। इतने अर्थक्रिया कार्यत्व को लेके हम उसको मानते हैं, उस वस्तु की सत्यता मानते हैं, किंतु वास्तव में वो और ही कुछ होता है। ये अर्थक्रिया कार्य तो जब समाप्त होता है तो हम वस्तु को बदल देते हैं, वो नष्ट हुआ ऐसा मानते हैं। वास्तव में वस्तु अपने ही स्वरूप में तीनों काल में रहता है, अर्थक्रिया कार्यत्व उसका एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो अवांतर प्रयोजन के रूप में प्रकट हुआ, वो प्रयोजन को ही उस वस्तु का स्वरूप नहीं समझ सकते। ये भी हमने कई बार आपको सूचन किया कि ये व्यवहार में ऐसी सत्यत्व बुद्धि क्यों हो गई, क्योंकि हमारा व्यवहार का सोचना समझना मतलब के लिए होता है, प्रयोजन के लिए होता है। निष्प्रयोजन कोई ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमको ज्ञान होने के बाद तुरंत प्रयोजन चाहिए, अर्थ मन सार्थक होना चाहिए, सार्थक ज्ञान ही हमारे लिए ज्ञान है, बाकी तब कल्पना है। वो सार्थक ज्ञान नहीं हुआ हम कहते ये कल्पना है, तो जब अर्थ ही निकला नहीं तो क्या होगा, प्रयोजन निकलना चाहिए। तो ये प्रयोजन बुद्धि में हम इतने फंस गए हैं कि हम प्रयोजन से अलग सोच नहीं सकते, इसलिए हम घड़ को छोड़ करके मृतिका के रूप में घड़ का स्वरूप भी नहीं सोच रहे हैं और उसके परम कारण को भी नहीं सोच रहे हैं, आगे की हमारी बुद्धि जाती नहीं है क्योंकि उससे कोई प्रयोजन नहीं हो रहा। हमको घट बने रहने से प्रयोजन है, तो घट का शब्द प्रयोग करने से लोग समझता है, उससे अर्थक्रिया कार्य तो हो रहा है। अब घट मृतिका से बने, कुछ सोने से बने, चांदी से बने, हमें क्या मतलब, ऐसा होने से ये बुद्धि वहीं बैठ जाती है। तो घट नष्ट होने से आप अपने को खोया हुआ मानते हैं, मतलब हमारा घट नष्ट हो गया। तो घट वास्तव में नष्ट नहीं होता है, केवल उसका आकार बदल देता है। तो अदृष्टम गदः नष्टः इत्युच्यते, शंकराचार्य जी अन्यत्र गीता भाष्य में ही कहा है। तो अदृष्ट को नहीं दिखाई पड़ रहा है उस स्थिति में उसको नष्ट कहते हैं, किसी चीज का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान ने पूरे सृष्टि को जीवात्मा के रूप में और विषय के रूप में, दोनों सृष्टि को अपने ही स्वरूप में ले लिया कि मैं ही ये सृष्टि के रूप में हूँ, तो अब आप ऐसा मुझे पहचानो, सृष्टि को उस रूप में पहचानो, ये कहना का तात्पर्य। इसी को ही आगे व्याख्या करते हैं, मत्त परदरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, अर्जुन के लिए संबोधन है। अर्जुन बहुत युद्ध करके, कई राजाओं को जीत करके बहुत सारे धन एकत्रित किया जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय, इसलिए उनका नाम धनंजय है। तो भगवान कहते हैं कि मत्तः परधरम नान्यत् किंचित् अस्ति, कि आप ये संशय ना करें कि ये जो दृश्यमान जगत है, जो हमारे काम में आ रहा है, ये शायद पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है या जल से उत्पन्न हुआ है या कहीं अन्यत्र से परमाणु से उत्पन्न हुआ है, कहीं दूसरे वस्तु से उत्पन्न हुआ है, आकाश से उत्पन्न हुआ है, अलग अलग बात है, अलग अलग जगह से उत्पन्न हुआ है, तो ये तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। आप जब उत्पत्ति को देखते हैं, भगवान से कोई वस्तु उत्पन्न होती है ऐसा आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। आप हजार सोचने पर भी आपको दिखाई ही नहीं देता है कि भगवान से कुछ उत्पन्न हो रहा है, भगवान से कुछ उत्पत्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वो दिखाई कैसे देंगे, क्योंकि तो भगवान ही दिखाई नहीं देता है।
तो भगवान यदि दिखाई दे तो उससे उत्पत्ति दिखाई देना संभव था, अब वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए भगवान खुद कह रहा है कि मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ, तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए फिर दोबारा कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, अर्जुन ये मत समझो कि मेरे मुझे छोड़ करके और भी कोई कारण है जिससे उत्पत्ति होती है, ऐसा मत समझो। जो कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, स्थित होती है, वो मुझसे ही होती है, क्योंकि संशय करेगा आप, इसलिए कहा। जो कारण को कहते समय, कार्य देखते समय भी, कारण को कहते समय भी, आपको हमेशा दोनों को जोड़ने की बुद्धि होती है कि कोई चीज आप सामने देखते हैं आपको पहचान में नहीं आया। जैसा समझ लीजिए कोई मिठाई आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने किसी ने रखा, आप वो मिठाई को पहले कभी देखा नहीं, तो तुरंत आप पूछ बैठते हैं ये किस चीज से बनी है। पहले तो पता ही नहीं होता ये मिठाई है, उसको बोलना पड़ता है ये मिठाई है, तब किस चीज से बनी है ये आप तुरंत पूछते हैं। तो किस चीज से बनी है, जब वो वस्तु को बोलेंगे ये जो है मैदा से बना है, ये आटा से बना है कि बेसन से बना है, जिससे बना होगा वो बताएंगे। बताने के बाद फिर तीसरा प्रश्न होता है कि कैसे बनाया ये, बहुत स्वादिष्ट है, कैसे बनाया। तो ये सब मालूम होने से, ये क्या चीज है और किससे बना है और कैसे बनाया, इतना मालूम होने से आपको उसका कार्य कारण संबंध बैठ जाता है, ठीक है ना। ऐसे सामान्य में ऐसे होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ, तो यहां समस्या क्या है कि हमारा दो प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। सब कुछ उत्पन्न हुआ जो है वो हमारे सामने दिख रहा है, हम इस उत्पत्ति को भी जानते नहीं है और कारण को भी नहीं जानते। यदि उत्पत्ति को हम जानते, क्रम को जानते हैं, तब तो काम हो जाता, वो भी नहीं जानते और कारण क्या है इसको भी नहीं जानते। इसलिए हमें कितना भी सत्संग सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होता कि भगवान से ये उत्पन्न हुआ है, वो बोलेंगे बना के दिखाओ, तब बोलेंगे। तो भगवान कह रहा है कि ये अन्य कोई कारण को मानो नहीं, जितने भी कारण हैं वो सब मेरे ही स्वरूप में स्थित है, कि मैं ही अलग अलग रूप में कारण के रूप में काम करता हूं। तो इसलिए मत्तः परदरम नान्यत, नान्यत कारणांतरम, मत्तः परदरम अस्थि नास्तिका, मयि सर्वमिदं प्रोदम, सब कुछ मुझ में ही ओदप्रोद है, तो जो कुछ भी है वो मेरे द्वारा ही सृजन किया हुआ है और मेरे में स्थित है और मैं सब में अनुस्यूत रहता हूं, मैं किसी को भी छोड़ा नहीं। ओद प्रोद का मतलब होता है वो मिलजुला हुआ, उसका जो कारण है वो ही आगे पीछे है। जैसे कपड़े का जो ताना बाना दो प्रकार से धागा लगाते हैं, तो कपड़ा का मतलब होता है वो ताने बाने जो लगाए हुए धागे हैं वही होते हैं। इस प्रकार से मैं सर्वम इदम प्रोदम सूत्रे मणिगणाइव, ये दृष्टांत दिया। जैसे माला बनाते हैं, माला के जो मणि है वो अंदर से वो सूत्र में ही बांधा हुआ होता है, तो वो सूत्र में मणि का संबंध लेकर के ही हम उसको माला कर देते हैं। तो वैसे ही भगवान सबके अंदर अनुस्यूत है और सबको आपस में जोड़ के रखा है। हम सोचते हैं सब अलग अलग है, ये जितने भी दिख रहा है ना सब अलग अलग है, हम ऐसा सोचते हैं, किंतु अलग अलग नहीं है, सब आपस में मिले हुए हैं, सबका कर्म मिला हुआ है, सबकी बुद्धि मिली हुई है, सबका जो है जो व्यवहार में जो भोजन आदि के संबंध है वो भी मिला हुआ है, रहन सहन भी मिला हुआ है, सबको आपस में जोड़ के रखा है। तो ये जो उसका जोड़ है अंदर से, ये जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा तब तक आपको अलग दिखाई पड़ेगा, किंतु सब में भगवान रहता है, सबके अंदरयामी रूप से भगवान रहते हैं, किसी से बाहर रहता है ऐसा नहीं, सबके अंदरयामी रूप से भगवान रहते हैं। तो अंदरयामी को ही यहां भगवान अपने रूप में प्रकट किया, इसलिए सूत्रे मणिगणाइव कहा कि अंदरयामी ब्राह्मण नाम के एक ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद में, उस अध्याय में ये अंदरयामी कैसे कैसे रहता है ये वर्णन किया और भगवान को अंदरयामी रूप से जानने के लिए कहा, जिससे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति जैसा कहा उसको वैसा कहा।
तो सभी के अंदर वो आत्मा रूप से वो है। अब जो जड़ हम कहते हैं उसके अंदर भी कारण रूप से भगवान है, और उसका जो चेतनांश है वो प्रकट नहीं होता है। चेतनांश प्रकट होने के लिए, माने कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वो प्रकट होने के लिए मन चाहिए। जिस वस्तु में मन है उसमें वो प्रकट होता है, जिसमें मन नहीं है वो वैसा ही रहता है। तो चैतन्य ऐसा अप्रकटित चैतन्य मानते हैं जड़ में, वेदांत में। इस भाव से सभी कुछ जुड़ा हुआ है। और जो जीवन में आप देखेंगे, आजकल विज्ञान ने भी ये रिलेटिविटी का थियोरी को सिद्ध किया है कि सब कोरिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो किससे कोई संबंध करता है, किससे कोई संबंध करता है, लेन देन की व्यवस्था यहाँ होती रहती है। और पूरे जो है एक प्रकार से चाक्रिक रूप से संबंध करता है, मतलब रिसाइकलिंग होता रहता है। तो सारे कुछ जो है उससे संबंधित है। आप जो कर रहे हैं ये कर्म से कर्मफल होता है, फिर उससे सृष्टि होती है, ये आपके दृष्टि से ऐसा है। बाकी जो भी आप मेटीरियल कॉस यूज करते हैं वो भी ऐसा है। भगवान ने जिन मेटीरियल कॉसों को बना के रखा है वो सारे कुछ अपने आप रिसाइकलिंग होने वाला है। और सत्य में भगवान ने ही मेटीरियल कॉस को बनाया है, आपने कोई मेटीरियल कॉस को नहीं बनाया। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार इसको आप ध्यान में रखिए। आप जो कुछ बनाया है वो सब कल्पित बनाया है, असली चीज को कोई भी चीज का आप नहीं बनाया, आप न बना सकते हैं। तो जो मटेरियल है उसको आप इधर उधर से जोड़ करके नया रूप दे देते हैं, फिर कहते हैं हमने बनाया, इतना ही आप कर रहे हैं। और उसमें जो जोड़ते हैं ना, जोड़ने में कुछ इधर उधर होता है तो रिसाइकलिंग के लिए टाइम लगता है, तो वो वापस जाने में टाइम लगता है। किंतु भगवान ने सबको आपस में जोड़ के रखा है, सबको मिला करके ही आपको चलना पड़ेगा। आपको जीना है तो समाज चाहिए, समाज के बिना आप नहीं जी सकते। समाज का मतलब क्या होता है? ये समाज का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह आपस में मिलकर के लेन देन की व्यवस्था में जो जिया करते हैं, अपने जीवन चलाते हैं, उनको समाज कहते हैं। हमारे संस्कृत व्याकरण में ये समाज शब्द की सिद्धि इस प्रकार से होती है। समाज का अर्थ ही ये होता है कि आपस में लेन देन करके, आपस में समझ बिठा करके एक जगह मिल करके रहते हैं, जो उनको समाज कहते हैं। आप देखिए, आप यहाँ रह रहे हैं अभी मणिनगर में, अहमदाबाद में, तो कैसा रह रहा है? आप सब लोग क्यों मणिनगर में क्यों रह रहे? आप कहते हैं हमको यहाँ नौकरी है, व्यवसाय है, इसलिए हम यहाँ रह रहे। तो नौकरी है, व्यवसाय है, कितने लोग मिलके कर रहे हैं? कुछ भी है, अनेक लोग मिलके कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने आप जो है फैक्ट्री नहीं चला सकता, और अपने आप चला के कुछ कमा भी नहीं सकता, क्योंकि कम से कम वो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट होगा वो खरीदने वाला तो चाहिए ना। तो खरीदने वाले का संबंध हो गया, जब वो खरीदेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। वो प्रोडक्ट बना के अपने घर में रखता रहेगा तो कुछ होगा उसका? तो देखिए कितना बहुत सिंपल है। और हम कहते हैं वो लोग सब हमारे से अलग है। अरे भाई इतना तो सोचो, तुम जो प्रोडक्ट कर रहे बना रहे हैं उसको तो खरीदने के लिए तो चाहिए, वो व्यवस्था है ऐसे ही। इसीलिए आपका आपस में लेन देन की स्थिति है, आपस में समझ है, इसलिए आप रहते हैं। तो यहाँ विरोध करने की कोई बात नहीं होती, असली में सोचा जाए तो विरोध करने की बात नहीं होती है। जो जैसा व्यवसाय कर रहा है उसके वैसे कमाई होता है, और इस प्रकार से उनका जीवन होते हैं। किंतु हमें कम से कम दिन में एक बार ऐसा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि हम समाज के लिए हैं, और हमारे समाज हमको अपना एक पार्ट मानता है। कि हमारे पूरे वैदिक जीवन व्यवस्था में, जिसको हम भारतीय का संस्कृति कहते हैं, इसमें हमारे सारे जो काम हैं वो समाज को आगे रख करके किया गया था। इसलिए कम से कम दिन में एक बार सोचते हैं तो बहुत कुछ होता है। हम क्या सोचते हैं? हम है और हमारा परिवार है, जो होना चाहिए हमारे लिए होना चाहिए, हमारे परिवार के लिए होना चाहिए। हम शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, हमारा घर शुद्ध और स्वच्छ रहे, कचड़ा बाहर डाल देते, समाज के बारे में हम सोचते नहीं। ये
अभी देखे कितने जो है लज्जा की बात है, कितनी लज्जा की बात है कि हम इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने अभी हम अपने को संस्कृत मानते हैं, बहुत अच्छे मानते हैं, ये जो ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, सारे दुनिया हमको मानती है, ऐसे हमको अभी स्वच्छता दिखाना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है कि साफ सफाई कैसे रहना चाहिए, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। तो वो क्या सिद्ध कर रहा है कि हम स्वार्थी हैं, हम केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने घर साफ करके, आप यहां देख सकते हैं, यहां दृष्टांत देखने की जरूरत नहीं, साफ करके कचरा सीधा रोड में, घर में जाएंगे तो घर में बहुत सुंदर रहेगा, घर तो बहुत शुद्ध रहता है, साफ रखते हैं। क्यों? वो केवल हमारे लिए, अपने परिवार के लिए सोच रहे, संकुचित है, इसीलिए हमें यह सब परेशानी उठाना पड़ रहा है। ये नहीं सोच रहे कि ये कचरा हम बाहर डालेंगे, कल वही कचरा वहां बदबू मारेगा, उसका जो गंदगी फैलेगा वो हमारे ही कर में आएगा, और हमारे बच्चे लोग उसको सूंघेंगे, उसको बीमारी आएगी, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको सबको ये सहन करना पड़ेगा, और सारे कम्युनिटी को परेशान करेंगे। ये सोच यदि एक बार भी किसी का मन में आता होता, उसको करने का मतलब मन ही नहीं बनता। तो कम से कम हम ब्रह्म के बारे में, भगवान सर्वत्र है, भगवान की सर्वत्र स्थिति है, सब कुछ भगवान है, ये तो सोचना है कि बहुत बड़ी बात है, वो सोचने के पहले कम से कम आप अपने मणिनगर से सोचना शुरू करें कि मणिनगर में जितने भी है, ये सब हमारे साथी है और हमारे परिवार है, ये जो हमारा सुख दुख होगा इन सबका उसका इफेक्ट होगा, सब कुछ ठीक रखना हमारे लिए आवश्यक है, केवल हम और हमारे घर ही सब कुछ नहीं है, आप और आपके घर दुनिया के हिसाब से, इस भारत भूमि के हिसाब से कुछ नहीं है, एक इतना भी नहीं, इसीलिए आप कुछ नहीं है उसमें, आप उसका एक पार्ट है, उस पार्ट को आप रोल कर रहे हैं, कम से कम इतने सामाजिक भाव से आप सोचिए, सारे कुछ आपके परेशानी दूर हो जाएंगी। ये लोगों को इतने सब जो करना पड़ रहा है, कितने पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ये करना नहीं पड़ेगा, आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। ये जो सरकार के ऊपर करने के लिए आपने छोड़ा है, वो आपका कार्य है, आप स्वयं करेंगे तो उसके लिए कोई अलग व्यवस्था की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर है, जो बुद्धि आपके अंदर है, वो सबके अंदर है। आप क्या कहते हैं, सब डालते हैं, हम भी डालते हैं, ये हमेशा ऐसा करते, उसका आंसर तो और कुछ नहीं होता है, सब ऐसा डाल रहे हैं, यदि हम नहीं डालेंगे तो भी क्या होने वाला है, वो तो डाल ही रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं, तो सब ऐसा सोचेंगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए भगवान तो ये तो बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं, तो बाहर के सबके अंदर हमारा स्वरूप है ये देखना, और भगवान का ही स्वरूप सबके अंदर देखना, केवल मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, भगवान सबके अंदर रहता है, सबके साथ रहता है, इसलिए इस भाव को लाने के लिए भगवान ने कहा सूत्रे मणिगणा इव, कि मैं सबके अंदर अनुस्यूत रहता हूं, इतना आप सोचिए ये कहा। अब कैसे अनुस्यूत रहते हैं, कुछ दृष्टांत दिखाइए, क्योंकि इतने से हमारा स्पष्ट नहीं हुआ, अब हमको पूरा विश्वास भी नहीं हुआ है कि आप सबके अंदर रहते हैं, तो कौन से चीज के अंदर कैसे कैसे आप रहते हैं, ये थोड़ा विस्तार करने के लिए आगे का प्रसंग है। रसो हम सुकौंदेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु, हे कौंदेय, आप यदि जानना चाहते हैं कि मैं कैसे सबके अंदर अनुस्यूत रहता हूं, सबके अंदर कैसे मैं जाके बैठता हूं, अब सारा कुछ एक साथ कहेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भगवान क्या करते हैं कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं और जिसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है उसको लेते हैं। यहां भी ऐसे ही किया, नवमा अध्याय में भी ऐसे ही किया, विभूति योग में भी ऐसे ही किया, क्योंकि जब गिनना होता है तो मुख्य मुख्य चीजों को गिना जाता है, और मुख्य को गिनने से जब मुखिया को लिया जाता है तो बाकी साथ में आते हैं, इस प्रकार से यहां गिनाएंगे, क्योंकि यहां ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि इतने को क्यों गिनाया, बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं,
इसका इतना ही तात्पर्य है, उदाहरण दिखाना तात्पर्य कि मैं कैसा रहता हूं कि रसः अहम् अप्सु, जल में मैं रस के रूप में रहता हूं। अब जल आप जानते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, जब भी आप जल लेते समय ये सोचना है ये जल में भगवान है रस के रूप में। रस का दो अर्थ होता है, एक तो जो षड रस है हमारा, ये रस है जो अम्ल आदि जो रस है, मीठा है, अकट्ठा है, ऐसे। और दूसरा शास्त्रों में द्रवत्व के लिए भी रस कहा, द्रवत्व माने जो गीलापन है उसको भी रस कहा। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं यहां कि जल में एक रस होता है, वो रस ऐसा है उसको मीठा तो कहते हैं, किंतु जैसा मीठा को आप जानते हैं वैसा मीठा नहीं है वो। अब मीठा कहने से क्या है, आप शुगर को जानते हैं, मिठाई जो शुगर डाल के बनाए हैं, जो सब में मीठा डालते हैं ऐसा जानते हैं, किंतु वो जो मीठा है जल की मिठास वो कुछ अलग ढंग का है। वो मिठास को आप खाली मुग में शुद्ध जल को पीने से ही मालूम होता है। वो कब पीना चाहिए, जब बहुत प्यास लगी हो तब पीने से जल का मिठास मालूम होता है, और बाकी समय जो भी साथ में हम खाना के साथ जल पिएंगे उसका मिठास मालूम नहीं पड़ेगा। वो जल का स्वभाव है, जिसके साथ मिलेगा वो प्रकट हो जाएगा, नमक के साथ मिलेगा तो नमकीन हो जाएगा, शुगर के साथ मिलेगा तो चीनी के साथ मिलेंगे तो वो चीनी के रूप लेगा, खट्टा के साथ खट्टा, जैसा जैसा बदलता है। किंतु जल का असली भी एक स्वाद है, वो स्वाद तो आपको प्यासा प्यास रहते समय, अधिक प्यास रहते समय मालूम पड़ता है, वो रस है। अब देखिए जल में यदि इस रस को आप ध्यान कर सकते हैं भगवान के रूप में, ये द्रवत्व को जल के रूप में ध्यान कर सकते हैं, तो पूरा जल का भाव आपको भगवान के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो क्या है फायदा, क्या है, जब जब जल लेंगे, जब जब जल आप इस्तेमाल करेंगे उस समय भगवान का ध्यान होगा, और जीवन में आप प्रातः काल से लेकर के रात में सोने तक जल का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। जल के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है, किंतु ऐसा जल ही जीवन है, ऐसे जल जिसमें भगवान स्वतः निहित है करके अपने प्यार से उसको समझाते हैं, उसी जल को हम क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं। अब देखिए ये भगवद गीता हमारे संस्कृति का अटूट अंग रहा, अनादिकाल से तो भले नहीं हो लेकिन 500 साल से तो कह सकते, 500 साल में भी समझ लो कुछ साल तक इसके प्रचार नहीं है ऐसा भी समझ लो, कम से कम 2000 साल से तो प्रचार है, 2000 साल से इसके प्रचार के बहुत सारे सबूत मिले। तो ऐसे भगवत गीता जो हमारे भूमि में गीता का जन्म हुआ, हमारे परम आराध्य परम पूज्य भगवान ने इसको गाया और इसको हम प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, और भगवान ने ऐसी ऐसी बातें इसमें कही, इसमें देखिए भगवान जैसा कोई राजनेता अभी तक हुआ नहीं, पॉलिटिशियन, भगवान जैसा कोई पॉलिटिशियन हुआ नहीं हमारे चरित्र में, भारतीय चरित्र देखिए या पूरे विश्व के चरित्र में भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहा हूं कि वो राजनीति को भी जानते थे और शास्त्रीय नीति को भी जानते थे, कि व्यावहारिक नीति को भी जानते थे, और लोगों तक कैसा पहुंचना उनके पास वो तरीका था, सारे नीति न्याय अपनाया, महाभारत के चरित्र भागवत के चरित्र तो जानते ही है। तो भगवान कह रहा है कि मैं जल में इस प्रकार से बैठा हूं, अब ऐसा जल को आप कैसे पोल्यूट करेंगे, इसका मतलब भगवान का मंदिर हुआ है ना जल, और आपके लिए जीवन है, आप उसके बिना जी नहीं सकते, उसको हम पोल्यूट करते समय उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हमको इस प्रकार से स्कूल में नहीं सिखाया कि जल को पोल्यूट नहीं करना, ये स्कूल में सिखा रहे हैं किंतु उसका कुछ असर नहीं हुआ।
आप देखिए कि 5000 साल के पहले की बात तो छोड़ दीजिए, 5000 साल तक का ले लीजिए, जितने भी नदियां हैं, ये नदियां कैसे पोल्यूट हुआ इसका आप हिस्ट्री देखिए, आपको पता चलेगा। लोगों को जब लोभ बढ़ा, जो जब लोग आवश्यक अनावश्यक वस्तुओं को बनाना अपने पास रखना शुरू कर दिया और जितने स्वार्थी बनते गए, तब से ये सारे पोल्यूशन खड़ा हुआ। कहते हैं कि आबादी के कारण पोल्यूशन हुआ, आबादी के कारण पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आबादी स्वयं कुछ पोल्यूट नहीं करता है। आबादी को रहने के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार रख सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे कंट्रीज है जहां आबादी बहुत है, हमारे इससे अहमदाबाद या दिल्ली मुंबई आदि से भी बड़े बड़े शहर है जहां सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था है, वहां कोई नदी को पोल्यूट नहीं करते। तो ये हमारे भाव में आया हुआ बदलाव है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान जो जो दिखाएंगे वो सब हमारे आजकल के जीवन में प्रैक्टिकली उतारने, तो ये उतारे नहीं, आप केवल भगवान सब कुछ में व्याप्त है सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। भगवान जिसमें व्याप्त है कहा उसको आप समझ लो, आप आगे के लिए भी सोच लो कि ये सारे जल को आपने पोल्यूट करके नष्ट कर दिया, तो आगे आपके पीढ़ी प्रपुत्र, पुत्र का पुत्र आएंगे तो वो कहां से जल पिएंगे, उसको तो सारे ये प्रदूषित वायु प्रदूषित जल मिलेगा। और आप बड़े भक्त हैं, भगवान को पूजा करने वाले हैं और पोल्यूशन करते रहे, और इसलिए हमारे संस्कृति का जो नियम है, जीवन की तरीका है, उसमें आपको वापस जाना पड़ेगा। आज नहीं है तो 20 साल बाद वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां जो नियम उन्होंने जो बताया है वो कभी भी नदी को पोल्यूट करने के लिए नहीं है। इसीलिए आज भी कुछ नदियां हमारे पास प्राप्त है। आप साल के हिसाब से आप देखेंगे, इतने हजारों सालों से इतने लोग यहाँ रहते आए हैं, यदि आपने ये 200 साल में जितना पोल्यूशन बनाया उस हिसाब से उस समय पोल्यूशन हुआ होता तो आपको आज पानी दिखाई नहीं पड़ता। तो अब ये जिम्मेदारी को समझना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे भी सोचना है, अपने घर अपने जीवन से थोड़ा आगे भी सोचना है। उसके लिए आप सहमत होकर के, आप किसी भी दृष्टि से सहमत होंगे, क्योंकि ये सोशली भी चाहिए और जो हमारे माने कैसी भी दृष्टि से आप देखेंगे, भविष्य की फ्यूचर की दृष्टि से देखिए या वर्तमान की स्थिति के दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से आपके जीवन शैली में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब वो क्या गड़बड़ी है आप अपने आप समझिए कि ये गड़बड़ी के कारण ही सब कुछ हो रहा है। एक तरफ पोल्यूशन के लिए हम बोलते हैं, दूसरे तरफ कुछ करते हैं और भगवान को भी हम पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये भगवान जब जल में है तो जल हमारे लिए पूज्य होता है, केवल अर्घ्य देने के लिए सुबह तुलसी के पत्ते में डालने के लिए नहीं, जो नदियां बह रहे हैं इसको भी शुद्ध करना है, इसको भी साफ रखना है, तब जाकर के हमारा जल साफ रहेगा। आप कहते हैं हम बोरवेल लगाएंगे नीचे से जल लेंगे, इधर का नदियां पोल्यूट होने दो, बोरवेल लगा के जल ले रहे, बोरवेल जल शुद्ध होता है, बाद में जो है ना बोरवेल में भी यही चीज आएगा, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जाके वो बोरवेल में भी वही आया और कई जगह ऐसा ही आ रहा है। और शशि और सूर्य में प्रकाश के रूप में मैं स्थित हूं, भगवान ने कहा कि सूर्य और चंद्र ये दोनों प्रकाश के रूप में हमारे सामने है, तो भगवान ने उसका प्रकाश को ले लिया, सूर्य का प्रकाश में हो कहने पर सूर्य भगवान ही है, क्योंकि सूर्य प्रकाश को छोड़कर के कभी रहता नहीं और प्रकाश पुंज को ही हम सूर्य कहते हैं, और उसी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को भी मिलता है, तो चंद्र सूर्य दोनों का प्रकाश में ही हूं। तो प्रकाश जहां भी दिखाई देते हैं उस समय आप भगवान को ध्यान करें। देखिए भगवान को ध्यान करना कितना सरल है, आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है असली में भगवान को ध्यान करने के लिए। मंदिर आप बनाते हैं क्योंकि आप भगवान के लिए एक निश्चित टाइम दे रखा है ना, निश्चित टाइम दे रखा है, निश्चित स्थान दे रखा है, वो पूजा पाठ के लिए वहां सुंदर अलंकार करके रखा है कि वहां भगवान आप यही बैठिए, हम रोज इधर आ जाएंगे, आपको मिलेंगे, हमारा काम हो गया, फिर हम
बाहर करेंगे। यहां देखिए वैसा नहीं कह रहा है, आपको प्रकाश में जहां भी जाएगा वहां भगवान को देखना पड़ेगा, तो भगवान आपको पीछा करते आएगा, कहां छोड़ेंगे आप। तो जहां भी प्रकाश दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश में सब कुछ करते हो, दिन रात में चंद्रमा को रात के लिए ले लिया, दिन के लिए सूर्य को ले लिया, आप भगवान को छोड़ नहीं सकते। मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, बाकी हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं चलता, ये गलत दृष्टि है, हमने भगवान को फंसा दिया वहां। भगवान चाहता है इसलिए अभी कि यदि भगवान स्वयं आएंगे तो यही कहेंगे, ये मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ये मंदिर से मेरे को थोड़ा बाहर भी समझ लो, मंदिर में समझ लो कोई बात नहीं, उस उधर भी है, किंतु बाहर भी समझ लो। हम बाहर समझना छोड़ दिया, केवल हमारे घर के अंदर छोटा मंदिर में ही भगवान को समझ रहे, तो भगवान इससे संतुष्ट नहीं है कि प्रकाश के रूप में जहां भगवान को आप दर्शन करेंगे तो आपका भाव बहुत ऊंचा हो जाए। प्रणव सर्ववेदेशु, वेद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान का भंडार है वेद, तो उस वेद में प्रणव के रूप में मैं स्थित हूं, क्योंकि प्रणव आदि है वेद का और प्रणव अंत है। वेद उच्चारण के पहले प्रणव से शुरू होता है और वेद उच्चारण समाप्ति भी प्रणव से होता है। तो प्रणव ऐसा एक सूचना के लिए था कि अभी वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है, और वेद मंत्र का उच्चारण करने की तरीका संहिता के दृष्टि से होता है, स्वर होता है उसमें, तो स्वर का स्वर की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया वेद मंत्र उच्चारण प्रारंभ में ओंकार के बाद होता है, इसलिए ओम कहते ही फिर बाद में संहिता होती है, तो उसी स्वर में उसको गाना पड़ता है, इसलिए ओम का बहुत महत्व है। जब तक ओम नहीं बोलेंगे वो स्वर में ही उसको गाता रहना पड़ेगा, और पाठ जब शुरू होता है तब भी ओम बोलते हैं, पाठ जब समाप्त होता है तब भी ओम बोलते हैं। इस प्रकार ओम के ओमकार की बहुत महत्व है, तो उसके आप उसके बारे में आप जानते हैं। तो भगवान ने प्रणव सर्ववेदेशु कहा, और शब्द खे, आकाश में मैं शब्द रूप से स्थित हूं, क्योंकि शब्द आकाश का कार्य है, शब्द का तरंग आकाश में स्थित रहता है, जहां खाली स्थान होता है वहीं शब्द प्रकट हो सकते हैं, इसलिए शब्द आकाश में स्थित होने से उसको भगवान ने अपना स्वरूप मान लिया। और पौरुषम दृशु, और पुरुषों में, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को लेना है, क्योंकि पुरुष शब्द कहने पर स्त्री को नहीं लेना ऐसा नहीं है, तो मनुष्य मात्र के लिए है। तो पौरुष जो शक्ति है, जो मनुष्य में जो शक्ति है, वो शक्ति के रूप में मैं ही स्थित हूँ, तो उस ज्ञान के रूप में भी मैं ही स्थित हूँ। तो इस प्रकार से वो जितने मनुष्य वर्ग है सबको ले लिया। अभी आगे भी इसी प्रकार विस्तार करते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथिव्यां पुण्यः गंधः, मैं तो पृथ्वी में सुगंध के रूप में स्थित हूं। पुण्य पुण्य मन सुगंधी, सुगंध गंध, तो पुण्य गंध मतलब अच्छा सुगंध, तो अच्छा गंध तो सुगंधी होता है, तो पृथ्वी में मैं सुगंध के रूप में स्थित हूं। अब इसमें आपको एक संशय हो सकता है, इसका मतलब दुर्गंध भगवान नहीं है क्या? दुर्गंध को छोड़ दिया, सुगंध को ही लिया। तो यहाँ शंकराचार्य जी इसके बारे में कहते हैं कि आपको ये शंका होगी, ऐसा उनको भी मालूम है, तो कहते हैं पुण्यत्वं गंधस्य स्वभावदैव पृथिव्यां दर्शितम् अबादिषु रसादेः पुण्यत्व उपलक्षणार्थ। यहाँ पुण्य शब्द भगवान ने गंध के लिए प्रयोग किया, इसका मतलब सर्वत्र अपने अपने स्वभाव से जो गंध है, रस है, शब्द है, रूप है, इसके लेने में तात्पर्य है, ठीक है। और जो स्वभाव से होता है वो अच्छा होता है, वो स्वीकार्य होता है। आप यदि पृथ्वी का असली गंध सूंघना चाहते हैं कि पृथ्वी का असली गंध कब होता है, ये आप सूंघना चाहते हैं, तो कब सूंघा जा सकता है? जब बहुत गर्मी रहेगी, गर्मी के बाद में
शुद्ध स्थान में, और कचरा पचरा नहीं होना चाहिए, शुद्ध स्थान में वर्षा के समय में जब पहले बारिश के बूंद गिरती है तब वहां खड़े होना, इतना बढ़िया सुगंध आता है। वो जो मिट्टी का सुगंध है, रेत में भी होता है, वो मिट्टी में भी होता है, यहाँ शायद ऐसा मिलना मुश्किल है, शहर में नहीं मिलता है, लेकिन गांव की तरफ आप जाएंगे ये आपको खेत में इत्यादि में मिलेगा। वो है मिट्टी का असली सुगंध। वो सुगंध उसमें रहता है, जब पानी के चिंडे पड़ते हैं तो वो बाहर हवा में फैलता है, वो उसका स्वाभाविक सुगंध है, और वो सूंघने में आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। किंतु ये दुर्गंध कैसा फैलता है, तब बोलते हैं अपुण्यत्वं तु गंधादी नाम। ये अपुण्य मतलब दुर्गंध क्या होता है, अविद्या अधर्मादि अवेक्षम संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तं भवति। जो जिसका ओरिजिनल नहीं है, उसका स्वाभाविक नहीं है, उसके साथ दूसरा कुछ मिलने से ही दुर्गंध होता है। आपको पता है गंदगी हम किसको कहते हैं, गंदगी मन क्या होता है, है? गंदगी मने गंदगी जिसको कहते हैं, जिसको आप अभी पोल्यूशन कहा, जो भी कहते हैं, जो चीज जहां नहीं होना चाहिए, जो चीज जिसके साथ नहीं मिलना चाहिए, वो उस स्थान में हो जाए तो हम उसको गंदगी कहते हैं। जिस वस्तु का जो रूप है वो अपने आप में वो अच्छा ही होता है, गंदा नहीं होता। अब यहाँ गंदगी फैला है तो किसको आप गंदगी कहेंगे, बाहर से कोई कचरा आके गिरा हो, अथवा कोई धूल गिरा हो, पेपर गिरा हो, कुछ भी गिरा हो, तो उसको देख के आप कहते हैं अब यहाँ गंदगी फैला हुआ है, साफ करो बोलते। साफ करने के बाद क्या है, जो पत्थर वहां शेष रहेगा वो तो गंदा नहीं होता है। तो गंदगी का मतलब जो चीज जहां होना चाहिए वो चीज वहां नहीं है। अभी धूल यहां नहीं होना चाहिए, धूल को कहां होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अभी बाहर धूल पड़ा तो वो गंदगी नहीं है, वो धूल इधर आके बैठ गया तो वो गंदगी है। बहुत सिंपल है इसकी व्याख्या। तो इसीलिए यहां भी ऐसा है कि जिसके साथ और कुछ मिल गया, उसका ओरिजिनल जो स्वाभाविक है उसके साथ और मिल गया, वो गंदा हो जाता है, दुर्गंध हो जाता है। जब मिट्टी के साथ पानी मिलेगा तो पानी का संबंध से वो मिट्टी में जो बदलाव आता है उसको आप सूंघते हैं तो वो दुर्गंध होता है। यदि मिट्टी के साथ दूध मिल गया तभी दुर्गंध आएगा, मिट्टी के साथ गोबर मिल गया तभी दुर्गंध आएगा, किसी भी प्रकार का मल मिल गया तो दुर्गंध आएगा। ऐसे ही पानी में, अभी स्वाद की बात कहा, पानी किसी और के साथ जुड़ गया तो उसका वो ले लेता है। अब उसको अलग कर सकते हैं, आप उसको अलग करेंगे तो वो फिल्टर करने के लिए, आजकल सबके घर में फिल्टर है ना, ये फिल्टर वही करता है, वो पानी में जो जरूरत नहीं है उसको निकाल देता है। तो जो चीज स्वभावतः जैसा है उसको हम गंदा नहीं कहते हैं, वो अपने आप में ऐसा ही होता है। इसलिए मिट्टी स्वभावतः गंदा नहीं है, मिट्टी स्वभावतः शुद्ध है, उसका अपना स्वरूप है, और वो दूसरे के साथ मिल गया तो हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी है, हमारा ये जो शरीर है ना, शरीर में शरीर गंदा है ऐसा कहते हैं, शरीर गंदा है कहने की जरूरत नहीं, आप रोज स्नान कर रहे यही उसका प्रमाण है। कि मैं अभी किसी का शरीर गंदा है कहेंगे तो आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहा, हमारा शरीर तो शुद्ध है, हम तो स्नान करते हैं रोज, तो आपको स्नान करना क्यों पड़ रहा है, रोज दो बार तीन बार स्नान कर रहे हैं, फिर जो है आप जो है मलम लगा रहे हैं, फिर स्प्रे लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, फिर क्या क्या लगा रहे हैं, ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, ये शरीर का स्वभाव तो नहीं है ना। कुछ लेपन कर रहा है आप बाहर से, इसका मतलब शरीर का स्वभाव नहीं है, वो बाहर से लेपन कर रहा है, क्योंकि शरीर में बहुत कुछ पहले से मिला हुआ है, ये बहुत कुछ मिल जाने से वो गंदा हो गया, वो अपने अपने स्वरूप में है नहीं, वो तो पंचभूत से मिला हुआ है, और पंचभूत के साथ में फिर हम जो रोज खाते हैं उसमें से कुछ बहुत सारे वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट सारे बाहर नहीं जाते हैं, वो शरीर में इधर उधर रहते हैं, तो उससे गंदगी फैलता है, वो गंदगी फैलने से आप स्नान करते हैं, जितना आप बाहर गंदा सोचते हैं उससे बहुत कई गुना ज्यादा अंदर गंदा है।
भगवान ने ऐसा उसकी व्यवस्था बना के रखे ना, वो क्या बोलते हैं स्मेल प्रूफ बनाया। वो यदि नहीं होता, ये चमड़ा थोड़ा सा हटा करके सोच लो कि ये चमड़ा बाहर जो दिख रहा है ही नहीं, ऐसा आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गंदगी क्यों फैलता आपको पता चले, बहुत ऐसे ही चीज है इसमें, तो क्योंकि इसमें मिला हुआ है। तो जो मिला हुआ होता, यही भाष्यकार कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैराग्य की बात आ गई तो भाष्यकार नहीं छोड़ते हैं, बोलते अविद्या आदि अधर्मादि अवेक्षम संसारिणाम, कि इनके अविद्या है, इनके पास अधर्म है, काम क्रोध लोभ मोह सब बैठा हुआ है, अपने आप में वो शुद्ध समझ करके बैठा हुआ है। वो शुद्धता भी समझने के लिए भगवान ने ये चमड़ा दिया, तब ये चमड़ा नहीं रखते होते तो वो मुश्किल हो जाता, तो इतने सब मदद किया है भगवान ने। तो अविद्या आदि धर्म के अपेक्षा से वो गलत हो जाता है, दूसरे में दूसरा मिल जाता है, जब भी मिलता है तब आपको ऐसा लगता है कि ये दुर्गंध है, वास्तव में दुर्गंध कोई अपने आप में नहीं होता। तो जहां आपको दुर्गंध हो रहा है आप समझ लो वहां दो मिला हुआ होगा, उसको अलग करना है, तो वो कर सकते हैं, कर अलग करने से वहां सुगंध ही आ जाता है। कि आजकल ऐसे ऐसे पानी का फिल्टर आया, आप गटर का पानी को भी ला करके फिल्टर करके शुद्ध पानी बना सकते। हमारे उधर जो है कई लोग ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गटर का पानी है ना, जो पानी नाले में जाता है, उसको भी उस फिल्टर में ला के फिल्टर करेंगे तो वो अच्छा पानी देगा, बाकी कचड़े को साफ कर देगा, कहीं से भी पानी लेकर के शुद्ध कर सकता है। ऐसे फिल्टर भी आया, इसका मतलब वो क्या करता है, पानी से अलग जो जो उसमें जुड़ा हुआ है उसको साफ कर देते हैं, तो वो दुर्गंध चले जाता है। तो ऐसे ही ये पुण्य गंध प्रतिव्यांग तेजश्चास्मि विभावसौ। विभावसौ कहते हैं अग्नि को, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है, अग्नि के जो तेजस्विता है वो मेरा स्वरूप है, तो उसकी उष्णता भी ले लीजिए, वो भी भगवान का स्वरूप है। जीवनम सर्वभूतेषु, आप तो जीवन जीवन कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में जो जीवन है वो मेरा स्वरूप है, उसको भी पकड़ लिया कि जीवन आप अपने को अलग करते, ये मेरा जीवन है, ये दूसरे का जीवन है, ऐसा करके जीवन को अलग करके रखे हैं कि वास्तव में जीवन भगवान का ही स्वरूप है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में जीवन के रूप में मैं स्थित हूं। जैसा आपका अपना जीवन, अपना प्राण आपके लिए बहुत प्यारा है, वैसे ही सभी प्राणी के लिए अपना जीवन, अपना प्राण प्यारा है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए आप किसी मनुष्य को मारो या कोई और प्राणी को मारो, उस मारने का जो दर्द है वो समान ही होता है, क्योंकि कोई छोटे मोटे में अपने जीवन के प्यार में अंदर नहीं है, वो बराबर रहता है। तो इसीलिए जीवनम सर्वभूतेषु ऐसा कहा, भी जो जो जीव दिखाई पड़ेगा वहां जीवन के रूप में भगवान को देखेंगे, तो आप किसको उपद्रव करेंगे, किसको परेशान करेंगे, किसी को परेशान किया तो वो भगवान का परेशान करना हो गया इस भाव में, अब इससे बढ़कर के क्या कह सकता है। तो आपको प्रैक्टिकल लाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, इनमें से एक भी गुण आप अपनाते हैं तो भगवान का दर्शन आपके जीवन में हो ही जाए। और तपश्चास्मि तपस्विषु, कहते हैं कुछ तपस्वी लोग हैं जो ये संसार को छोड़ करके अरण्य में जंगल में जीवन बिताते हैं, बोलते हैं उनकी तपस्या भी मैं हूं, तो तपस्या के रूप में, तपस्या का फल के रूप में भी भगवान ही स्थित है, ऐसा समझ लो। जो तपस्वी को देखेंगे तो उसके तपस्या अपना है समझ लो, ऐसा क्यों कहा होगा, बाकी को छोड़ के तपस्वी लोगों को क्यों पकड़ा होगा, क्योंकि तपस्वी लोगों के पास, उनके पास बड़ा अभिमान रहता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, हम बहुत जो है तपस्या करते हैं, हमने ऐसी तपस्या की, वैसे तपस्या की, बहुत तपस्याओं की बात होती है तो बहुत अभिमान होता है। तो वो भगवान ने अपने अंदर ले लिया कि ये अभिमान को छोड़ दो, आपकी तपस्या है तो तपस्या के रूप में मैं ही स्थित हूं, ये कहा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमदामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्।
हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातनं बीजं मां विद्धि। हे पार्थ, कि सभी भूतों का, सभी जन्म लेने वाले जितने भी जंतु है सबका, तो सभी भूतों का बीज, उसका जो मूलभूत कारण है, सनातनम बीजम, ये सनातनम करके विशेषण दे दिया कि अनादि काल से सिद्ध जो बीज है उसका जो मूल कारण है वो मेरा ही स्वरूप है। वो क्यों कहा होगा? क्योंकि एक एक बीज को लेने पर आपको लगता है कि ये पेड़ से ये बीज उत्पन्न हुआ, अभी हम उस बीज को डाल रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए भगवान ने ये छोटे मोटे बीज को बीच में छोड़ करके सनातन बीज को ले लिया। अभी बीज के परंपरा को आप ले लिए, ले लेने से वो मुख्य जो बीज है वो मेरा ही स्वरूप है। अथवा जैसे अभी पहले कहा कि भगवान से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जड़ और अजड़, चर और अचर दोनों की उत्पत्ति भगवान से ही होती है। तो सबका मूलभूत कारण एक ही है, अलग अलग कारण से आया है इसलिए अलग अलग हो गया, ऐसा आप नहीं समझिए। वो कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अलग अलग बनाया, अलग अलग जो प्राणी जंतु जन्म लिए हैं उनको अलग अलग काम करना है, उनका अलग अलग कर्म फल है उनको भोगने के लिए वो आया। जैसा आप अपने कर्मफल भोगने के लिए आया है वैसे ही वो प्राणी भी अपने कर्मफल भोगने के लिए आया है। जैसा आपके लिए खाना पीने की व्यवस्था भगवान ने यहाँ की है, इसी प्रकार उन प्राणियों के लिए भी पूरी व्यवस्था की है। और जितनी व्यवस्था उनके लिए पक्की है उतनी ही व्यवस्था आपके लिए भी है। आप सोच रहे हैं कि हम अन्य प्राणी से बुद्धिमान हैं, हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं और बहुत आगे के लिए सोचते हैं, बहुत हमारा जो है अनुभव का, बुद्धिमत्ता का सब अभिमान होता है, किंतु व्यवस्था आप देखेंगे, आप कितने भी व्यवस्था करो जितने आप खा सकते हैं उतना ही खा सकते हैं, जितना आपको विश्राम चाहिए उतना विश्राम चाहिए। आप जो है लाखपति हो, करोड़पति हो, या हजार रुपया रखने वाला हो, 100 रुपया रखने वाला, आजकल 1000 रुपया का नोट नहीं है, तो 100 रुपया रखने वाला हो, तो इनमें से कोई भी हो उसको भूख भी उतनी लगेगी और रोटी उतना ही खा सकता है, उससे अधिक नहीं खाएगा। अधिक यदि खा लिया तो वहाँ एक बैरियर रहता है, वो बैरियर आकर के आपको तंग करेगा, दूसरे दिन खाना छोड़ना पड़ेगा। पहले खा लिया तो दूसरे दिन छोड़ना पड़ेगा, यदि नहीं छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो हिसाब आपका उतना ही है, ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादा कर रहे हैं करके जो आप हम अभिमान कर रहे हैं ये हम बाहर विषयों के बारे में नहीं सोचने से है। तो सबको अपने अपनी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, उस हिसाब से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि अपने लिए नहीं करने पर भी उनको व्यवस्था करना पड़ता है। अपने लिए जो नहीं रखते ना, बहुत लोग है कि उनका योगक्षेमम बाहम्यहम भगवान ने कहा, क्योंकि योगक्षेम के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है, पूरा जीवन ये योगक्षेम के चक्कर में ही निकल रहा है। कि भगवान ने कहा कि मैं भक्त को भजन करने के लिए भी कह रहा हूँ और हमेशा अनन्य चिंतन मेरा ही करो ये भी मैं बोल रहा हूँ, और वो बेचारा क्या सोच रहा है कि मैं खाने पीने के लिए कहाँ से लाऊंगा, तो आपका निरंतर चिंतन करते रहूंगा, पूजा पाठ करते रहूंगा, तो मेरा खाना पीना कहाँ से आएगा। तो उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। इसलिए मैंने कहा है ना, भगवान बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो सब जानते हैं सबका मन कैसे चलता, जानते हैं कि एक तरफ आपको भजन करने के लिए कहा, आपके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं की तो आप उनका भजन नहीं करेंगे। जहाँ सत्संग होता है, यदि दिन में सत्संग है वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है तो लोग नहीं जाते, यहाँ तो ये ना कहना प्रकार ना जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ सत्संग में नहीं जाते, क्योंकि वो मुख्य चीज है। हम सत्संग में जाकर सुनेंगे तो सब्जी कौन अमोनिया करेगा, कौन खाना पकाएगा, कब खाएगा, तो क्या होगा। तो इसीलिए सत्संग में जाना है, भागवत सुनने जाना है, तो भोजन भी वहाँ होना चाहिए, तभी दोनों साथ में आप लेंगे। ये बुद्धि आपके अभी है लेकिन पहले से भगवान जानता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, यदि तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, तुम मेरा भजन करते हो, अनन्या चिंतन दो माँ ये जना पर विवास, ऐसा करते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ तुम्हारे योगक्षेम की व्यवस्था मेरे ऊपर, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा।
और आगे के लिए पीछे के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक कंडीशन भी वहां है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते का। ये अनन्या चिंतन जो है ना, ये बड़ा मुश्किल। हम भगवान के चिंतन के लिए एक घंटा समय देते हैं, क्योंकि एक घंटा फिक्स है, उस समय भी जो हम करते हैं तो हो गया, तो उसके बाद फिर हम फ्री हो गया, फ्री हो गया तो फिर अनन्य चिंतन नहीं हुआ। भगवान और आप और आपके भजन के बीच में और कोई नहीं होना चाहिए, और कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, और कोई इच्छा आशा नहीं होनी चाहिए कि भगवान देखभाल करेगा, उनको चाहिए तो करने दो, नहीं तो नहीं करने दो। ऐसा चिंतन है अनन्य चिंतन। तो अन्य नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान और भक्त के बीच में और नहीं हो तब हो सकता, तब वो करेगी, तो वो पूरा गारंटी लेते हैं उस प्रकार से। तो इसीलिए ये संपूर्ण जगत का जो कारण है, वो अनादि सिद्ध जो कारण है, वो भगवान ही है। जब कहेंगे तो आप भगवान में आश्रित हो जाएंगे, इसीलिए ऐसा कहा। तो आपका अपना कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुद्धेर बुद्धिमदामस्मि, और जितने बुद्धिमान अपने को समझते हैं उसकी बुद्धि तो मैं हूँ। यह भी बड़ा है कि हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं। अभी मैं बताया ना कि हम बुद्धिमान अपने को समझते हैं, केवल बुद्धिमान समझते इतना नहीं है कि मैं सबसे अच्छा बुद्धिमान हूँ, बाकी सब एक तरफ और मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। इसीलिए बुद्धि को लेकर के कभी भी कोई कुछ बोलता है, बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं, तुम तो मंदबुद्धि है ऐसा करके बोल दिया, तो इससे ज़्यादा और कोई गाली नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अभिमान को ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे को मंदबुद्धि कहा, ऐसे कैसे हो सकता, तो तुरंत उसको इरिटेशन आता है। इसीलिए ये भाव जो है वो भी भगवान ने पकड़ लिया, बोले जितने बुद्धिमान बोलते हैं ना दुनिया में, जितने ज्ञानी अपने को अभिमान कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ज्ञानी अपने को अभिमान कर रहे हैं नहीं जानने पर भी, तो इसीलिए वो बुद्धि मैं ही हूं का, अब वो भी भगवान अपने पास रखा है। इसीलिए बुद्धि जब जब आके काम करेगी, जब आपको बुद्धिमत्ता के अभिमान होगा, तो आप चिंतन करना ये भगवान का है, तो फिर क्या होगा, अभिमान नहीं रहेगा, ये समर्पित हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सरल है बात, आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो आपको ऐसे सरल लगेगा कि वास्तव में भगवान का भजन करना बहुत सरल है। इसके लिए आपका कोई कामकाज छोड़ना नहीं पड़ेगा, कि लोग कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए कामकाज छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं छोड़ना पड़ेगा। हम कभी सत्संग करते हैं ना, लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपको कोई कामकाज है ही नहीं, तो सब छोड़ दिया, इसीलिए आप कह सकते हैं हमको तो घर देखभाल करना पड़ता है, बहुत कुछ है, बाल बच्चे हैं उनको पालना पड़ता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमेशा भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं। किंतु बात उल्टी है, आप हमारा जीवन देखेंगे ना, आपको तो ऐसा दिखाई दे रहा है हम कोई काम आज नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारा जीवन देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल है, वो अच्छा हुआ हम इसको नहीं अपनाए, ये हमारा जीवन आप असली में देखा नहीं है। हम जब बाहर जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसा ही आप सोचते हैं, किंतु पूरा हमारा जीवन का कितना कठिन चलता है, कितना सारा नियम है, कैसा हमको जीना पड़ता है, वो आप देखेंगे तो सबसे कठिन जीवन साधुओं का है उस दृष्टि से। अब वो चिंता तो कुछ करते नहीं है, चिंता नहीं करने के कारण भगवान को चिंता करना पड़ता है, और हमको क्या करना पड़ता है कि भगवान कहाँ ये सोच के रखा है वहां जाना पड़ता है। अब वो बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं चलता है कि आज कहाँ मिलेगा, कहाँ रखा है, कि कौन कहाँ ले जाएगा, कि कौन आज गाली देगा, कौन सम्मान देगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई तो गारंटी तो है ही नहीं। किंतु सबके लिए भगवान कुछ व्यवस्था करके रखते हैं, जैसा ही कुछ अहंकार आएगा ना कहीं कुछ ऐसे व्यवस्था रखेगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका अहंकार के कारण ये हुआ, ऐसा रखता है। बहुत कठिन जीवन होता है, लोग बहुत इसी समझते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होता है, इसीलिए वो अपने अपने काम करते हुए कर सकते। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशली बहुत ज्यादा है, फैमिली के दृष्टि से ज्यादा है, और जैसा हमने कहा ये पंचभूतों की रक्षा करना भी सब गृहस्थों का काम है, तो सब वो करने का उस दृष्टि से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप सोच रहे हैं हमको कमाने के लिए पूरा समय चाहिए, हम तो ये कहते हैं कमाने के लिए आपको बहुत समय नहीं चाहिए, शास्त्र ने केवल 25 साल दिया है आपको कमाने के लिए, बोला 25 साल पढ़ाई करो और 25 साल कमाओ, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद कमाई बंद करो,
है ना, लेकिन हमको बंद करना आता नहीं है, हमें शुरू करना ही आता है। कहां बंद करना आता नहीं है, रिटायर होना नहीं आता। अब रिटायरमेंट चाहिए करके जो बोलते हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं मालूम है? उनको पूरा वो मिलेगा, बड़ा अमाउंट वो डालेंगे बैंक में, इसके लिए वो रिटायरमेंट जाता है। वास्तव में रिटायर नहीं होना चाहता है, उसके बाद दूसरी नौकरी करता है। तो यदि रिटायरमेंट वो चाहता ही है तो फिर दूसरे क्यों नौकरी करता? परेशानी है क्योंकि वो जानता नहीं कैसा रिटायर होना है, रिटायर होना नहीं जानता है। हम तो पढ़ लिख करके तैयार हो गए, पढ़ने के बाद हम यही समझ गए कि कमाना है खाना है, कमाना है खाना है, जो बचेगा उसको बचाना है। तो तीन है, कमाना खाना और बचाना, ये करते रहते हैं और ये इसमें से कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। कमाना भी नहीं छोड़ सकते, जमाना भी नहीं छोड़ सकते, खाना भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर क्या करेंगे? आगे छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, छोड़ना सीखना पड़ेगा, त्याग सीखना पड़ेगा, वो बचपन से सिखाना पड़ेगा, तब जाकर के सीखेंगे। क्योंकि हमारा स्वरूप में हम लोभी है, हम कोई त्यागने के स्वभाव वाले नहीं है, त्याग हमको जबरदस्ती सिखाना पड़ता है और वो लोभ के कारण हम सीख नहीं पाते हैं। जहां त्याग की बात होती है तो अरुचि आ जाती है ना, त्याग की बात ना हो, कमाने की बात हो तो वो नींद नहीं आएगी, त्याग की बात होने से नींद आ जाती है। उसके लिए 25 तर्क भी देते हैं कि क्यों हम त्याग करेंगे, ऐसा करिया तो क्या होगा, ये किया तो वो होगा, क्या वो सब कुछ देते हैं, किंतु त्याग करना चाहिए। और आपके जीवन में त्याग आ गया समझ लो तो आगे के आपके रास्ता हो गए। तो ये सब समझना ही आपकी बुद्धिमत्ता है, खाली अपने को बुद्धिमान समझने से नहीं होगा। तो जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ते जाते हैं, ये 25 साल तक जो आपको कमाई करना है धर्म के अनुसार, जो न्याय युक्ति से आप जो कर सकते हैं, अपने नौकरी करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, कमाइए, खूब कमाइए, कमाने में कोई रुकावट नहीं है, किंतु उसके बाद उसको छोड़ना भी आना चाहिए कि कमाते रहो फिर उसी में ही मर जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे को सौंपना चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी करने का होता है, आपके पुत्र पौत्र जामादा जो भी आएगा उसको उसको करना देना है, वो करेगा, वो भी कमाएगा, वो आपको खिलाएंगे, जो भी करना है करेगा। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए समय पर, तब जाकर के आपका जीवन सार्थक होगा, तो नहीं तो सार्थक नहीं होगा। तो बुद्धिर बुद्धिमदाम अस्मी, इस प्रकार सोचने वाले जो बुद्धि है, अभिमान है, बुद्धि का अभिमान में बुद्धि को मेरे पास दे दो तो समर्पित हो जाएगा। और तेजस तेजस्वी नाम हम, और जितने तेजस्वी है अपने को प्रगल्भ समझते हैं, बड़े सामर्थ्यवान समझते हैं, तो उन सामर्थ्यवानों में सामर्थ्य के रूप में मैं ही स्थित हूँ, उनकी शक्ति में ही, जो जितने शक्तिवान हैं वो शक्ति मेरा ही है। तो तेजस तेजस्वी नाम हम, बलम बलवदाम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूदेशु कामोस्मि भरदर्शभ। कि जो प्रागल्भ्य के बारे में कहा गया, ये बुद्धि के द्वारा जो सामर्थ्य है उसको लिया गया है, क्योंकि अभी बल शब्द से अन्य सामर्थ्य को ले रहे, शरीर आदि संबंधी जो सामर्थ्य है वो जो बल है वो मेरा ही स्वरूप है। तो शरीर भगवान के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जो जो तत्व चाहिए उनमें से कोई भी तत्व को आप स्वयं नहीं बना सकते, और जिस चीज को आप नहीं बना सकते हैं उस चीज को किसी ने बनाया होगा, वो भगवान का बनाया होगा। आपके शरीर वायु के बिना ऑक्सीजन के बिना नहीं चलता, ऑक्सीजन तो मुख्य चीज है शरीर को चलाने के लिए, तो ऑक्सीजन को किसने बनाया? आपकी कमाई से तो नहीं बनाया ना, तो ऑक्सीजन को किसने बनाया? वो फ्री में दे रहा, और जिसके बिना आपका काम नहीं चलता है। तो अब बाकी शरीर में जो अवयव है, हाथ पैर जो जो है, दांत वो जो कुछ भी है, इनमें से कोई भी चीज आपने बनाई क्या?
ये सब आपको फ्री में मिला है। अभी दांत गिरने के बाद दूसरा दांत लगाते वो अलग बात है, वो तो आप बनाया है वो काम के भी नहीं है, किंतु जो असली दांत है जिसमें स्वाद अस्वादों का ज्ञान भी होता है, ये अभी जो नकली लगाते हैं ना उसका नहीं पता चलता है, वो है करके मालूम पता इतना ही है, बाकी वो क्या करता है ये मालूम नहीं पड़ता है। जो भी है, तो जितने भी वस्तुएं आपके शरीर से लेके बुद्धि से लेके मन से लेके जो कुछ भी आपके पास है, वो कोई उनमें से कोई भी तत्व को आप नहीं बनाए हैं, वो पहले से आपको प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है आपके कर्म के बल से प्राप्त हो गया जो भी है, किंतु बनाया आपने नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा वो जो भी बल आप शरीर में समझ रहे हो कि वो मेरा ही दिया हुआ बल है, बल को आप सृजन नहीं कर सकते, उसके लिए शक्ति पैदा करने के लिए कुछ विशेष खाना खाएंगे, तो खाने में यदि शक्ति होता तो खाना ऐसे खाते तो शक्ति पैदा होते, लेकिन शक्ति पैदा होने के लिए अंदर वो पैदा होने की शक्ति होनी चाहिए। तो जो बुढ़ा हो जाता है वृद्धावस्था में, आप कितना भी खाना खाओ शक्ति पैदा नहीं होती है, और ज़्यादा खाओ तो जो शक्ति है वो भी क्षीण हो जाती है, तो जो और ज़्यादा आगे लंबा चलने वाला वो उसका लाइफ शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए वृद्ध होने के बाद खाना कम कर देना चाहिए, वो तो करते ही आप लोग फिर भी बोल रहे हैं कि वो कम कर देना चाहिए, और 60 साल के बाद हो सके तो शाम का खाना छोड़ देना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। तो दो समय आप खाना खाइए, रात का खाना छोड़िए, कुछ ना कुछ जो है फल आदि जो भी थोड़ा बहुत जो है चाय पानी पी के वो चलाना है। जैसा जैसा दांत जा रहा है वो कर रहा है, क्या कह रहे हैं कि देखिए भगवान कम बुद्धिमान तो है नहीं, आपको खाना खिलाना होता तो आपके दांत को आपके जीवन भर रखते, क्यों जीवन भर ये चबाते रहे ऐसा रखने वाला, तो भगवान ने टाइम रखा है, आप कितने भी दांत को संभालो एक समय में दांत जाएगा, उसका समय आएगा। वो जाने से क्या बता रहा है कि ये जाने के बाद ये दांत से चबा के जितने चीज खानी है वो ना खाओ, क्योंकि जब चबा के खाने का समय होता है तब दांत निकल आते, वो अपने आप निकल आता है, चबाने के पहले जो चबाने का समय नहीं हुआ तब दांत नहीं होता, मतलब जन्म से दांत नहीं आता है, बाद में दांत आता है। इसी प्रकार काम करने के बाद वो चले जाता है, वो चले जाने के बाद वो बोल रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है कि अभी ऐसा खाना मत खाओ। यदि आप ऐसा चबाने वाले खाने को छोड़ देते हैं दांत जाने के बाद, तो आप देखना आपके जो ये होता है ना गम होता है ये मजबूत हो जाता है, मजबूत होकर के उसमें से जो चबा पाते हैं उसको आप चबाइए, तो एक रोटी डालेंगे तो आधा घंटा लगेगा, और ऐसा आधा घंटा डाल करके एक रोटी को चबा करके आप खाएंगे तो आपको उससे कोई हानि नहीं होगी, और वो शरीर में पकड़ेगा, उतना ही आपको चाहिए किंतु उतने चबाना है, इसीलिए उसको ऐसा दिया है, और बाकी जितने पेय है आप पेय ले सकते हैं, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, वो हजम हो जाएगा, किंतु चबाने वाली बात को ऐसे चबाना है। और उस समय क्या है, ये क्या सिंग दाना मूंगफली क्या कहते हैं वो नहीं खा सकते, वो सिंग दाना नहीं खाना चाहिए, सिंग दाना जवानों के लिए है बुड्ढों के लिए नहीं है, सिंग दाना खाने वाले बहुत हजम करने के लिए काम करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे भगवान ने पक्की व्यवस्था दी है, उसको हम अतिक्रमण करके अपने को ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए सब करते हैं, उसके साथ रोग भी आ जाता है। तो आगे का एक पंक्ति है फिर कर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं